हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो आज मॉर्निंग से मैं अपना रूटीन स्टार्ट कर दी हूँ। तो आज है सैटरडे, सैटरडे रूटीन, आज है बाबून का छुट्टी है क्योंकि थर्ड सैटरडे है, इसीलिए मुझे पहले पता नहीं था, अब पता है इसीलिए मैं बता रही हूँ। आज थर्ड सैटरडे को बाबून का छुट्टी रहता है और सेकेंड सैटरडे मम्मा का छुट्टी रहता है। तो जो भी हो, मैं अभी आज एक्सरसाइज से मैं अपना दिन शुरुआत कर रही हूँ। मम्मा चली गई स्कूल, बाबू ने भी सो रहा है। और डेली क्या है ये जो जर्नी है ना, मुझे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये जो जर्नी मैं पूरा कर रही हूँ, 32 बार की जो जर्नी है मैं पूरा कर रही हूँ। तो मैं डेली दिखा नहीं पाती हूँ एक्सरसाइज, मगर मैं डेली थोड़ा थोड़ा करके करती हूँ। और थोड़ा थोड़ा करके मैं अपना डेली रूटीन को मैं कंप्लीट करती हूँ, मगर डेली शूट नहीं कर पाती हूँ। जो इंटरेस्टिंग चीज़ है उसी को शूट करती हूँ। डोंट ट्रस्ट टू मच, डोंट लव टू मच, डोंट होप टू मच, बिकॉज दैट टू मच कैन हर्ट यू सो मच। अपने जीवन की तुलना दूसरों से ना करें। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है, वह तब चमकता है जब उनका समय होता है। तो अभी बरसात का टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब कीड़ा मकोड़ा निकल के आ रहा है और थोड़ा सा भी गंदा जहाँ पे है ना वहीं पे जम ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से ना किचन रूम को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा रखना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं लग गई हूँ किचन रूम को साफ़ सफाई करने के लिए। और किचन रूम साफ मतलब हेल्दी रहना, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ को मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और अभी तो त्यौहार का टाइम आ गया है, अभी तो हर महीना ही त्यौहार है और त्यौहार की वजह से क्लीनिंग करना तो मतलब होते ही रहेगा। तो जो भी हो, अभी मैं क्लीनिंग करके एकदम से नहा धो के पूजा करके आ गई हूँ। अभी मैं अपने लिए ज़्यादा कुछ बनाऊँगी नहीं, तो सत्तू का शरबत पीऊँगी। बाबू तो अभी सो के नहीं उठा है, तो जैसे सो के उठेगा उसके लिए मैं एक तो रोटी बना दूँगी। और मम्मा लेके गई है पास्ता, बस हो गया है हम लोग का ब्रेकफास्ट, तो ये सब चलेगा। और अभी सत्तू का शरबत पीऊँगी, फटाफट बन भी जाता है, पकाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है और हेल्दी भी बहुत हेल्दी है, हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है, एकदम मतलब वरदान के जैसा है। तो जो भी हो, अभी मैं इसको ना नींबू और नमक के साथ इसको शरबत को बनाऊंगी। मुझे तो ये इस रेसिपी ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है तो और फटाफट बन भी जाता है, तो इसीलिए मैं इसी को प्रिपेयर करती हूँ ज़्यादा। और अभी मैं लंच बनाऊंगी, और लंच में क्या बनाऊंगी वो तो मैं अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि अभी तक मैं कुछ भी डिसाइड नहीं की हूँ। सैटरडे है और सैटरडे मतलब काम है मगर कम भी है। और अभी मेरा नहाना धोना तो सब चीज़ कंप्लीट हो गया है, अभी बस इसको शरबत को पी के उसके बाद लंच बनाने के लिए लग जाऊंगी। तो चलिए मैं इस शरबत को अभी मैं अपना एंजॉय कर लूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय सुपर लाइफस्टाइल। तो आज तो है सैटरडे, और सैटरडे को मैं एक्सरसाइज करके उसके बाद ये पूरा क्लीन की हूँ, उसके बाद बहुत सारा काम था, कपड़ा धोना, घर को थोड़ा क्लीन करना, नहा धो के बाबू को नहला धुला के। आज तो स्कूल छुट्टी है, पता नहीं क्या मगर स्कूल छुट्टी है। और पूजा करके अभी मैं आई हूँ, थोड़ा सा सत्तू का शरबत पीऊँगी, हेल्दी भी होता है और इसी तरीके से फटाफट बन भी जाता है। तो चलिए मैं तब तक इसको पीने के बाद मैं अभी बनाऊंगी रोटी या पराठा, क्योंकि आज सैटरडे है, चावल नहीं खा पाऊंगी, सब्जी बनाऊंगी, पंकिन और आलू का सब्जी बनाऊंगी, उसके बाद रोटी या पराठा कुछ भी बना लूँगी। और दिन भर ऐसे ही चलेगा, उसके बाद शाम को जाना है आज। तो चलिए आज क्या क्या करती हूँ नहीं करती हूँ पूरा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इसके अंदर मैं करेला, पम्पकिन, परवल, आलू, जो सब्जी, गाजर, जितना भी सब्जी था सब दे के मैं इसको फ्राई करूँगी। मैं सोची भी नहीं इस तरीके से मैं करूँगी,
है सब सूख रहा है सब्जी, इसलिए कल नया सब्जी लेके आना पड़ेगा, इसलिए मैं सोची चलो सब सब्जी को ऐसे ही करके फ्राई कर लेते हैं। अब पूरा सब्जी भी खाना हो जाएगा और सब्जी भी मतलब ख़त्म हो जाएगा, सूखने से अच्छा उसका सब फ्राई करके खा ही लो, है ना। तो कल नया सब्जी लेके आना पड़ेगा, कल संडे है इसलिए। तो चलिए एक हफ्ते चम्मच को हिलाना बहुत दिक्कत हो रहा है। लंच थाली पूरा जितना भी सब्जी था उसका पूरा फ्राई की हूँ और उसके साथ सोयाबीन आलू के साथ सब्जी केसर सलाद और हो जाएगा मेरा आज का लंच। मम्मा लोग को छोड़ के आई थी थोड़ा सा पार्लर और पार्लर आके देखती हूँ पार्लर पर, अब देखती हूँ कितना टाइम। और बारिश भी स्टार्ट हो गया है, कहाँ बाहर चला नहीं पाऊँगी गाड़ी। तो बारिश ख़त्म हो जाए उसके बाद देखती हूँ। मम्मा लोग को भी लेके आते आते ना बारिश स्टार्ट हो गया था। अभी टाइम हो रहा है 7:10 और फेशियल करने के बाद ना तुरंत तुरंत मम्मा और बाबून को लेके आना पड़ा, क्योंकि एक तो पानी गिर रहा है ऊपर से, मतलब उन लोगों को छुट्टी भी हो गया था और छुट्टी भी हो गया है। और उसके बाद आज ना बाबून ने सब चीज़ लिख लिया है ना एक घंटे के अंदर, उसके बाद मैम ने उसको गिफ्ट में समोसा दिया। तो आ गया है आज, अभी फ्री हो गया है उधर जाते जाते, दो दिन वो आज फ्री हो गया है। क्या है मम्मा, क्या कितने साल से? तीन साल से ना, तीन साल से पढ़ते आ रही है, क्योंकि जब मैं हम उधर रहते थे ना तभी से मम्मा पढ़ते आ रही है। तभी क्या है इधर आने के बाद साल भर से बंद हो गया था, उसके बाद मैम भी छोड़ दिया था सब, उसके बाद मैं अभी गाड़ी हो गया है, अभी मैं जा पाऊँगी। इस वजह से मैं जैसे कॉल लगाई ना मैम को बहुत खुश हो गया। हाँ बबीता तो मेरा पुराना स्टूडेंट है इसीलिए हाँ आ जाओ। तो मैं तुरंत हम लोग गए, बहुत खुशी खुशी इन लोग को मतलब पूछ रहे थे कि बहुत बड़े हो गए हो ऐसे ही, बहुत मतलब अच्छे से इन लोग को मतलब बहुत खुश हो गया है मैम। मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, तो जो भी हो बहुत अच्छा लगा मैम के पास दोबारा जाके, क्योंकि मैम का पढ़ाई उन लोग को बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से समझ में भी आता है। जैसे बचपन से जहाँ पढ़ते आ रहे हैं ना तो वहीं पे पढ़ना ही ठीक है। मैं इतना जगह देखी हूँ उतना जगह में इसका कहीं पे मतलब ठीक से समझ में नहीं आता है। मैम का गलती मैं किसी को नहीं दूंगी, इसको समझ में नहीं आता है, तो मैम का पढ़ाई उसको समझ में ज़्यादा आता है, तो इस वजह से मैं उसको उधर डालती हूँ। भले ही मेरे को थोड़ा बहुत तकलीफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माँ भी सुन के बहुत खुश हो गई है, सब जन खुश हो गए हैं, क्योंकि उधर पढ़ाई भी अच्छा है और मैम का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बाबू को भी मैं इसीलिए डाली हूँ, बचपन से अगर जाते जाते ना आदत सा हो जाएगा, और आदत होते होते ना मैम का जो टेक्निक है ना उसके लिए बहुत ही अच्छा ही है। तो साल भर के लिए मुझे छुड़ाने का कोई इच्छा भी नहीं था, मगर क्या कर सकते, इधर आने के बाद गाड़ी नहीं था ना, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। और चलो अच्छा ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्सपीरियंस हो गया है सब, मैम के पास जाके कैसा कैसा सब्जेक्ट पढ़ाते सब एक्सपीरियंस भी हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।